Vande Mataram, my dear students. Today we have start our chapter number 3, Keyword of Standard 1, Subject Computer. बच्चों आज हम पढ़ेंगे chapter number 3, Keyboard के बारे में. उसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो picture है, ये है Christopher Latham Sol's founder of QT Keyboard. इसका नाम है Christopher Latham Sol और ये QT Keyboard के founders है. आज हम keyboard के बारे में पढ़ेंगे और इस chapter में हम क्या-क्या पढ़ेंगे यहाँ पे लिखा है, देखिए. इमेज ऑफ कीबोर्ड विथ डिटेल, आपको यहाँ पे इमेज ऑफ कीबोर्ड और उसकी डिटेल पढ़नी है. टाइप्स ऑफ की, आपको बहुत सारी टाइप्स की की पढ़नी है, जैसे कि अल्फाबेट्स की, नंबर की, स्पेशल की एंड फंक्शंस की. हम इस चैप्टर में सारी कीज के बारे में पढ़ेंगे. आगे है, एज वी नो दैट फॉर एनी कंप्यूटर इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू इनपुट द डेटा इन टू दैट एंड ऑल्सो हैविंग यूजफुल आउटपुट अकॉर्डिंग टू इनपुट. हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करना जरूरी है और डेटा इनपुट करने के लिए हम बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस का यूज करेंगे. जैसे कि हम डेटा इनपुट करेंगे उसके अनुसार ही हमें आउटपुट मिलेगा. हम डेटा इनपुट करेंगे तभी जाके हमें आउटपुट मिलेगा. फॉर दिस इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू यूज डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस फॉर दैट. और हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है विविध प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस, विविध प्रकार के इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस विच इज कीबोर्ड. हम अभी डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस जिसका नाम है कीबोर्ड. आगे है कीबोर्ड, यहाँ पे देखिए आपको कीबोर्ड का पिक्चर भी दिखाई दे रहा होगा और ये कीबोर्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. जनरली कीबोर्ड हैज 101 टू 105 कीज. जनरली कीबोर्ड के ऊपर 101 से 105 तक की होती है. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है. इट हैज डिफरेंट काइंड ऑफ बॉटम ऑन इट. उसके ऊपर बहुत सारे कीज होते हैं, बटन्स होते हैं, हम जिसको कीज कहते हैं. नो एज की, हम लोग क्या कहते हैं उसको? कीज. ईच की ऑफ अ कीबोर्ड कंटेन सम स्पेशल काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू इट. और सभी की के स्पेशल काम, मतलब अच्छी तरीके से आपको पता होगा कि जो की है कीबोर्ड की, वो सारी कीज का अलग अलग यूज है, उसका अलग अलग वर्क है. There are main four kind of key on the keyboard. Keyboard के ऊपर four types की होती है. पहली है alphabets की, number की, special key and functions की. Four types की होती है, alphabet, number, special and function की. आपको ये जो keyboard दिखाई दे रहा है उसके ऊपर 101 से 105 तक की होती है. ये input device है. आपको आपको पता है कि ये जो सारे buttons है उसको हम key कहते हैं और ये जो सारी की है उसका वर्क अलग अलग है, सबका अलग अलग वर्क है. और ये जो है कीबोर्ड उसके ऊपर फोर टाइप्स की आपको दिखाई देगी, अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेशल की और फंक्शन की. अब हम ये जो फोर टाइप्स की है उसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए आगे है अल्फाबेट्स की. हमें अभी अल्फाबेट्स की, जो फर्स्ट वाला था अल्फाबेट्स की, उसके बारे में पढ़ेंगे. There are 26 alphabet key hold on the keyboard. हम सब जानते हैं कि alphabets कितने होते हैं? 26. आपको keyboard पर भी ये 26 alphabet दिखाई देंगे. Their key contain different letter from A to Z on it. आपको ये जो सारे alphabet है वो आपको A to Z में दिखाई देंगे. It help us to type letter. हम उससे क्या करेंगे? Letter type करेंगे. अल्फाबेट की आर नॉट अरेंज इन ऑर्डर. आपको अल्फाबेट जो की दिखाई देगी वो अरेंज ऑर्डर में नहीं होगी. उसको ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे ही होगी, ये पूरी उल्टी फुल्टी होगी. आपको अरेंज ऑर्डर में ये अल्फाबेट की है वो मिलेगी नई कीबोर्ड पर, उल्टी फुल्टी होगी. लेकिन ये 26 अल्फाबेट हमारे जो है वो सारे अल्फाबेट कीबोर्ड पर होंगे. ओके, आगे है नंबर की. आगे क्या है? नंबर की. इसमें हम पढ़ेंगे आगे नंबर की. देर आर टोटल 10 नंबर की होल्ड ऑन द कीबोर्ड. टोटल 10 नंबर की जो है वो हमें कीबोर्ड पर मिलेगी. दिस की कंटेन डिफरेंट नंबर फ्रॉम 0 टू 9.
हमें यहाँ पे देख आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 0 to 9 तक की आपको डिफरेंट की मिल रही है। इट हेल्प टू टाइप नंबर और इनपुट द न्यूमेरिकल डेटा। इनसे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा जो है वो हम इनपुट कर सकते हैं। तो अल्फाबेट की और नंबर की, ये दो आपको समझ में आ गई होगी। अल्फाबेट की यानी 26 करेक्ट अल्फाबेट जो हमारे हैं वो सारे मिलेंगे आपको कीबोर्ड के ऊपर, और नंबर की यानी 0 to 9 तक के सारे आपको वर्ड है नंबर जो है वो आपको कीबोर्ड के ऊपर मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद है आगे स्पेशल की। स्पेशल की है उसमें देखिए आप, स्पेशल कीज आर रिमेन की ऑन द कीबोर्ड विच आर मोस्टली यूज फॉर द स्पेशल पर्पस। जो स्पेशल की है उसको हम स्पेशल कुछ काम है उसके लिए ही, उसका पर्पस है कुछ स्पेशल काम यूज करेंगे, उस स्पेशल काम के लिए उसको हम यूज करेंगे। हियर ब्रीफ डिटेल इज गिवन ऑन द बिलो। एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो एंटर की आपको जो स्पेशल की है उसके पीछे दिखाई दे रहे, कैसे कैसे की स्पेशल होती है उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे। फर्स्ट वन है एंटर की, बैकस्पेस की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, स्पेस बार की, अल्टर की। ओके, यहाँ पे देखियो एंटर की, शिफ्ट की, बैकस्पेस की, कंट्रोल की, ये जो सारी की है ये सारी की है स्पेशल कीज। ओके, लाइक यहाँ पे देखिए एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी साइन, हैश साइन, डॉलर, ये जो सारी है ये भी स्पेशल कीज में आती है। ओके, आगे है फंक्शंस की, यहाँ पे देखिए है फंक्शंस की। देखो फंक्शन की आर स्पेशल की ऑन द कीबोर्ड, स्पेशल की ही है जो फंक्शन की जो है वो भी एक स्पेशल की ही है। देर आर 12 फंक्शन की अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम F1 to F12। आपको कीबोर्ड के ऊपर 12 फंक्शंस की दिखाई देगी, वो शुरू कहाँ से होगी, F1 से होगी और F12 तक आपको फंक्शन की कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देगी। ईच फंक्शन की कंटेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी, सारी फंक्शन की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है रिलेटेड टू डिफरेंट कंप्यूटर। सारी फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी वो अलग अलग है, सारी फंक्शन की अलग अलग वर्क करती है। समझ में आया, हमने इस चैप्टर में कौन कौन सी कीज के बारे में पढ़ा, अल्फाबेट्स की यानी 26 जो हमारे अल्फाबेट है वो सारी की आपको कंप्यूटर में मिलेगी। दूसरा है नंबर की, जो 0 to 9 तक के नंबर है वो सारे नंबर्स आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड में मिलेंगे, और स्पेशल की, और उसके बाद है फंक्शन की F1 to F12 तक की फंक्शन की यानी 12 फंक्शंस की होती है। हम चार टाइप्स की कीबोर्ड में देख सकते हैं, अल्फाबेट्स की, नंबर की, फंक्शन की और स्पेशल की। ओके, उसके नीचे है एक्टिविटी। देखो यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई देगी, एक्टिविटी में क्या है आपको यहाँ पे देखिए, डिवाइड द कीज इनटू अल्फाबेट की, नंबर की, स्पेशल की एंड फंक्शन की। आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्फाबेट की, अल्फाबेट यानी A to Z जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो A to Z में जो की आती है उसको आपको डिवाइड करना है, नंबर की 1, 0, 1, 0 to 9 में से जो भी की है उसको भी आपको डिवाइड करना है, स्पेशल की मैंने आपको बताया था शिफ्ट की, एंटर की, कंट्रोल की, ये जो सारी की है वो स्पेशल की है, और फंक्शन की, फंक्शन की जो है वो कहाँ से शुरू होती है, F1 to F12 तक, मतलब आपको F1 वाली, F1, F2, F3 ऐसी कोई भी की दिखाई दे तो ये जो है सारी की वो फंक्शंस की है। ओके, तो हमें उस चारों को डिवाइड करना है। पहले यहाँ पे देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे कलरफुल कीज दिखाई दे रही है, उसमें सबसे पहले आपको देखिए कौन सी की जो है वो स्पेशल की में आती है, स्पेशल की में आएगी शिफ्ट की, एंटर की, बैकस्पेस की और कंट्रोल की। तो हम यहाँ पे आपको नीचे 4 टाइप्स के बॉक्स दिए गए हैं, तो हमें वो सारे की उसमें लिखनी है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ कौन कौन सी की थी स्पेशल की में, कौन कौन सी की आएगी। पहली आएगी शिफ्ट की, तो हम ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे SHIFT शिफ्ट की। दूसरी आप यहाँ पे देख सकते हो एंटर की, ENTER एंटर की। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल की,
हम यहाँ पे लिखेंगे CTRL कंट्रोल की, और उसके बाद एक ऊपर है कौन सी की है, बेस्पेक्स की, BACKSPACE। ओके, हमें ऐसे स्पेशल की में डिवाइड कर दिया है, जो स्पेशल की थी वो सारी लिख दी। अब हम क्या ढूंढेंगे, अल्फाबेट्स की ढूंढेंगे। चलो ढूंढो यहाँ पे अल्फाबेट्स की कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे अल्फाबेट यानी 26, हमारे अल्फाबेट जो है वो जिस की पे लिखे हैं वो सारी की आपको अल्फाबेट की में लिखनी है। कौन सी, Q L D V W P M X T, यहाँ पे J, ये जो सारी की है वो हमें अल्फाबेट्स की में लिखनी है। चलो लिखते हैं कौन कौन सी की है अल्फाबेट्स की में, कौन सी की लिखेंगे हम, Q L D V W M P X T और J। ओके, उसके बाद है नंबर की, नंबर की यानी 029। 029 में जो भी की है वो आपको ढूंढनी है, कौन कौन सी है, 3, 1, 7 एंड 0, 4 की ही है। देखो आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो स्पेशल की है उसका कलर ऑरेंज है, दिखाई दे रहा है, जो अल्फाबेट्स की है उसका कलर पर्पल है, दिखाई दिया आपको, सॉरी अल्फाबेट्स की जो है अल्फाबेट्स की उसका कलर ग्रीन है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने नंबर की जो ढूंढी उसका कलर ब्लू है। तो आप जब देखोगे डिवाइड करोगे तो आपको कलर के अकॉर्डिंग भी आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर की जो है वो कौन कौन सी है, हम लिखेंगे यहाँ पे 3, 1, 7 और 0, ये 4 की जो है वो नंबर की है। उसके बाद है फंक्शन की, फंक्शंस की आपको यहाँ पे ढूंढनी है, कौन कौन सी फंक्शंस की है ढूंढो, F1 से ढूंढो, F1, F7, F8, F10, F5, मिल गई। ओके, ये पर्पल कलर की जो की है वो हमें फंक्शंस की में लिखनी है। चलो लिखते हैं हम लोग F1, F5, F7, F8 और F10। ओके, समझ में आया सबको, ये जो सारी कीज है उसको हमने डिवाइड कर दिया। अभी हम पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे है फॉर्मेटिव असाइनमेंट, उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। उसमें पहला है कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, हम यहाँ पे लिखेंगे टी फॉर ट्रू। एंटर की इज अ नंबर की, एंटर की जो है वो नंबर की है, नंबर की है नहीं, कौन सी की है वो, स्पेशल की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। देर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड, हमें कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फाबेट की भी मतलब कीबोर्ड के ऊपर 26 अल्फाबेट की होती है, ट्रू की फॉल्स, ट्रू होती है, सारी 26 जो कैरेक्टर है हमारे अल्फाबेट जो है वो सारे कीबोर्ड पर होते हैं। देर आर 9 नंबर की ऑन द कीबोर्ड, हमें 9 नंबर की भी कीबोर्ड पर मिलेगी, ट्रू है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे 2T4 ट्रू। 9 9 9 है, देखो 9 नंबर की लिखी है, 9 नंबर की नहीं होती है, 10 नंबर की होती है, 0 हमने काउंट नहीं किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, कितनी नंबर की होती है, 10, 0 से आप काउंट करोगे 9 तक तो कहाँ कितने आएंगे, 10, हम यहाँ पे क्या आएंगे, 10 नंबर की ऑन द कीबोर्ड। नंबर की इज यूज टू राइट डाउन लेटर, नंबर से हम लेटर लिख सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स, हम यहाँ पे लिखेंगे F4 फॉल्स। देर आर 3 टाइप्स ऑफ की होल्ड ऑन द कीबोर्ड, आपको 3 टाइप्स की कीबोर्ड पर की मिलेगी, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि हमें 4 टाइप्स की कीबोर्ड पर की मिलेगी, कौन कौन सी, नंबर की, फंक्शंस की, अल्फाबेट्स की और स्पेशल की, 4 टाइप्स की मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे F4 फॉल्स। ओके, आगे है
क्वेश्चन नंबर टू, मैच द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे कीवर्ड की की का नाम लिखा है उसको हम यहाँ पे पिक्चर के साथ मैच करना है. ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला क्या है, पहला है अल्फाबेट की. अल्फाबेट की यानी ए टू जेड. यहाँ पे देखिए ए टू जेड तक की आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हमें उसके साथ ये जो हमारा अल्फाबेट की ऐसा लिखा है उसको मैच करना है ऐसे. उसके बाद है नंबर की. यहाँ पे देखिए आपको नंबर की दिखाई दे रही है, उसके साथ हम नंबर की को मैच करेंगे. एंटर की, ये है एंटर की, उसके साथ हम एंटर की को मैच करेंगे. उसके बाद है स्पेस बार की. यहाँ पे देखिए ये स्पेस बार की है, तो हम इसके साथ भी मैच करेंगे स्पेस बार की को. कीबोर्ड, यहाँ पे आपको कीबोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, तो कीबोर्ड को उसके स्पेलिंग के साथ मैच करिए ऐसे. और बैकस्पेस की, यहाँ पे देखिए बैकस्पेस की है, उसके साथ हम मैच करेंगे उसके स्पेलिंग को ऐसे. ओके, समझ में आ गया सबको. आगे है ब्रेन बूस्टर, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर वन, रीअरेंज द जंबल वर्ड. यहाँ पे आपको जो वर्ड है उसको रीअरेंज करना है. हमने अगले चैप्टर में भी किया था, आपको पता होगा, पता है ना. चलो यहाँ से हमें ढूंढना है ऐसा कोई वर्ड है तो उसको हम टिक करते जाएंगे. यहाँ पे देखिए यहाँ से कौन सा स्पेलिंग बनता है, ये कीबोर्ड का स्पेलिंग है. देखो यहाँ पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड. यहाँ पे देखिए अभी वो कौन सा स्पेलिंग है, एस पी. देखो ये स्पेस बार का स्पेलिंग ही हम टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एस पी ए सी ई बी ए आर स्पेस बार. ये देखो रिटर्न का स्पेलिंग है, आर ई. हम पहले देखेंगे ना तो ही समझ में आ जाएगा अच्छे से. सॉरी ये रिटर्न का स्पेलिंग नहीं है, और ढूंढो यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग है ऐसा जो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको. ई एन टी ई आर एंटर का स्पेलिंग है ये, लिखो यहाँ से ई एन टी ई आर, मिल गया ना. अभी यहाँ पे देखो ऐसा कुछ, नंबर एन यू एम बी ई आर, ये नंबर का स्पेलिंग है. देखो एन यू एम बी ई आर, ये देखो ये कौन सा स्पेलिंग है जिसमें दो टी आएगा, डबल ई आएगा. लेटर एल ई डबल टी ई आर, मिल गया ना. ऐसे ही हमें सामने देखना है. अभी तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग है, ये देखो यो आएगा एन आएगा, ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जिसमें टी भी आता है. ढूंढो, फंक्शन है, ये फंक्शन का स्पेलिंग है, लिखो एफ यू एन सी टी आई ओ एन, मिल गया ना. ऐसे ही देखो यहाँ पे डी ई डबल एफ, मिल गया ये स्पेलिंग, ये डिफरेंट का स्पेलिंग है. डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी. ओके, ऐसे ही आगे देखिए ओ एम टी एस यानी मोस्ट, एम ओ एस टी मोस्ट. उसके बाद देखिए एच ई एल पी हेल्प, और उसके बाद है की के ई वाई, समझ में आया. और उसके नीचे देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी दिखाई देगी. ये जो एक्टिविटी है उसको हम पहले पढ़ेंगे. कलर द कीबोर्ड एज पर इंस्ट्रक्शन. आपको ये जो कीबोर्ड है उसमें इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कलर करने हैं. रेड कलर नंबर की में करना है, जो यहाँ पे नंबर की दिखाई दे रही है. देखो नंबर की दो जगह पर होती है कीबोर्ड पर, एक तो यहाँ से देखिए वन से यहाँ जीरो तक नंबर की है, और यहाँ पर भी आप देखिए नंबर की है. दोनों जगह पर आपके आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर.
यहाँ है येलो कलर अल्फाबेट की में, अल्फाबेट की यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो सारी अल्फाबेट की में आपको कौन सा कलर करना है, येलो। ब्लू कलर स्पेशल की में आपको ब्लू कलर करना है, जो स्पेशल की कहाँ कहाँ है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बेस्पेक्स की है, एंटर की है, ये जो सारी की है ये स्पेशल की है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो ना ये सारी, ये जो सारी है ये सारी की स्पेशल की है, यहाँ पे आपको टिक करके दिखा दिया है ये जो सारी है ये स्पेशल कीज है वो, उसमें आपको ब्लू कलर करना है। ग्रीन कलर जो है वो फंक्शन की में करना है, यहाँ पे देखिए F1 to F12 तक की फंक्शन की आपको दिखाई दे रही है, फोर फोर के ग्रुप में है ये, है ना, उसमें आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन। ओके, समझ में आया, आपको ये होमवर्क में करना है। आज का वीडियो यहीं तक था, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।